आज के दौर में भी कुछ लोग ग्राम उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं और उन पर आधुनिकता भी कुछ असर नहीं डाल पा रही है। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहद मांग है, जिसका एक उदाहरण देखने को मिला राजगढ़ रोड पर, जिसका नाम है पंत ट्रंक उद्योग, जहां न केवल ट्रंक बनाए जाते हैं बल्कि हमाम, हवन कुंड व कूड़ाधान भी बनाया जाता है। आज के दौर में भी कुछ लोग ग्राम उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं और उन पर आधुनिकता भी कुछ असर नहीं डाल पा रही है। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहद मांग है। ऐसा ही एक उदाहरण राजगढ़ रोड पर स्थित पंत ट्रंक उद्योग में देखने को मिला, जिसमें ठाकुर पंत न केवल ट्रंक बनाते हैं बल्कि वे हमाम, हवन कुंड, कूड़ादान भी बनाते हैं, जिसे लोग न केवल सोलन से बल्कि साथ लगते अन्य जिलों से भी खरीदने आते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उद्योग मालिक ठाकुर पंत ने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से इस कारोबार में जुटे हुए हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी मांग है। उन्होंने कहा कि वे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, साथ में वे अपने हुनर को भी जिंदा रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर पंत ने कहा कि बेशक आज लोग आधुनिक और मॉडर्न उत्पाद पसंद करते हैं, लेकिन उनके उत्पादों को चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ जो है हम ट्रंक पेटी की दुकान 18-20 साल से हम लगातार यहाँ काम का दुकान किया हुआ है और काम चला रहे हैं। काम लोग जो है यहाँ से राजगढ़ हो गया, शिमला हो गया, नौराधार, इधर राजगढ़, इस चारों तरफ से लोग आते तो है, पर जैसे पहले काम था उतना काम नहीं है। जैसे शादियों में जो है अभी भी ट्रंक पेटियाँ हो गई लोग देते हैं। शहर में तो चलो जगह नहीं होता, इस करके लोग शहर में लोगों ने कम कर दिया, पर गांव में तो अभी भी रिवाज है ट्रंक पेटी का। जो है पहले की तरह तो नहीं है, पर फिर भी रिवाज है। रोजगार का साधन तो ठीक है, पर अब इतना काम रहा नहीं, मेहनत करना लोग इतना चाहते नहीं है। सीख रहे हैं काम, जैसे कोई बेचारे घर में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका गरीब परिवार में से जो है वो लोग थोड़े आते हैं, सीखते हैं, सीख के भी बहुत गए, हमने बहुत सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।